हेलो भाई, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है सब लोग के? आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी तुमने कुछ वीडियो देखी होगी, तो अभी सीन ये है कि मैं कर रहा हूँ आज अपने फ्रंट व्हील को पेंट। कोशिश करूँगा फ्रंट व्हील के बाद सेकंड रियर व्हील भी ट्राई करूँ करने की, क्योंकि यार एक व्हील के या दोनों व्हील के अपने बाइक को खड़ी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, पर मैं ट्राई करूँगा कि सेकेंड व्हील भी हो जाए। पर अभी हम फ्रंट व्हील खोल के ले आए हैं, तो ये है कुछ हमारा व्हील, फ्रंट व्हील हमारा। और इसके लिए मैं सारे आइटम ले आया हूँ ऑलरेडी। वो हमारा फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर, वो ट्रांसपेरेंट लेकर कॉट, सम मास्किंग टेप, तो एलन की यहाँ है, फ्रंट डिस्क हमारी यहाँ है। मैं डिस्क को लेता हूँ खोल, व्हील को एक बार अच्छे से लेता हूँ साफ कर, उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपना पेंट का काम। तो तुम लोग देख सकते हो कि हमारी मास्किंग गई कंप्लीट हो, और जैसे कि मैंने बताया था मैं हाफ ग्रीन करने वाला हूँ। वहाँ हमारा एक सेंटर है और दूसरा हमारा सेंटर यहाँ है, यहाँ से ऐसे इतने एरिया में ग्रीन होगा, बाकी ब्लैक रहेगा। तो जब टेप डाऊंगा तो वापस ब्लैक हो जाएगा। और इसके ऊपर एक क्लियर कोट मारूंगा, क्लियर कोट मारूंगा पूरे पे, पहले इस पे ग्रीन करेंगे, उसको सूखने देंगे, फिर पूरे के ऊपर क्लियर कोट मारेंगे एंड में, ठीक है। ये मेरा लाइम ग्रीन स्प्रे है, सॉरी फ्लोरेसेंट ग्रीन, थोड़ा ब्राइट ग्रीन होता है। तो इसको स्प्रे करना है हमें इस पे ऊपर, तो स्प्रे करने का पैटर्न ये रहेगा कि हम दूर से एक इवन कोट मारेंगे इसके ऊपर और फिर इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो दोनों साइड से एक एक कोट मारूंगा, मैं कोशिश करूंगा तीन कोटें मारूं ग्रीन कलर की, ताकि वो अच्छे से इसके ऊपर सेट हो जाए। देखूंगा दो या तीन कोट, कितनी कोट में ये इवन सेट होता है इसके ऊपर। हाँ तो भाई पेंट स्टार्ट करते हैं। पेंट करने से पहले अच्छे से शेक कर लेना है। कैमरे में क्या लग रहा है यार, तो एक साइड कर लिया, दूसरी साइड और करते हैं। हाँ तो भाई फर्स्ट कोट कुछ ऐसी हुई है, मतलब कैमरे में कलर थोड़ा सा ज्यादा लाइट दिख रहा है, मेरे को रियलिटी में थोड़ा डार्क दिख रहा है इससे ज्यादा। आई थिंक ओवरऑल काफी अच्छा होगा, एक बार ये सूख जाए तो मैं इसको लगभग एक डेढ़ घंटे के लिए छोड़ दूंगा, ऐसे ही दूसरे रूम में रख दूंगा और फैन चला दूंगा और इसको सूखने देंगे जरा। इसके सूखने के बाद देखते हैं कि कैसा आता है, फिर उसके बाद सोच रहा हूँ एक कोट और करके फिर इसका ट्रांसपेरेंट की करूंगा। तो आई थिंक मुझे एक और कैन लेके आना पड़ेगा, अभी तो टाइम है, तो मैं एक कैन ले आता हूँ जाके, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मैं इसको जब तक सूखने के लिए रख के आता हूँ। सो एवरीबडी, फर्स्ट कोट हमारा ऑलमोस्ट सूख गया है, और यहाँ मैंने थोड़ा सा गलती से हाथ लगा दिया था, यहाँ पे डार्क था तो हल्का निशान है, कोई नहीं, इस कोट के साथ उसको मैच कर देंगे। तो अभी सेकंड कोट का टाइम है और ये मारते हैं सेकंड कोट, देखते हैं कैसा निकल के आता है। सो लाइट आते ही काफी ब्राइट हो गया है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ जरा कैमरा इधर लगा यार। तो आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। तो पेंट काफी हद तक काफी स्मूथ रहा है, इस कोट को सूखने देते हैं, फिर देखता हूँ कि कितना ब्लैक दिखता है हमारा पेंट, क्योंकि अभी जो ये वाली कोट थी उसके सूखने के बाद दिख रहा था कि पेंट में, मतलब पेंट पे काफी जो हमारा बेस कोट ब्लैक है उसकी, मतलब जो हमारा बेस कोट ब्लैक है उसकी काफ़ी कोटें दिख रही थी। तो अभी ये कोट किया। और भाई एक चीज़ मैं बता दूं तुम्हें कि अगर तुम खुद से स्प्रे पेंट कर रहे हो तो कोई मास्क वगैरह जरूर यूज़ करना। मैं जब भी स्प्रे पेंट कर रहा हूँ मेरा फेस दिख नहीं रहा है पेंट के टाइम पे, मेरा फेस अपोजिट साइड रहता है और मैं इसकी जो गैस निकलती है उसको इनहेल करने की जितनी कम हो सके उतनी कम कोशिश करता हूँ। मैं अपनी सांस रोक के स्प्रे करता हूँ, ठीक है। जब भी तुम यूज़ करो स्प्रे कैन, कुछ मास्क वगैरह लगा लेना मुँह पे, या तो मार्केट से कोई मास्क खरीद लेना या कपड़ा वगैरह ढक लेना फेस पे अच्छे से। तो चलो इसको सूखने के बाद मिलता हूँ मैं आप लोगों से। हाँ तो भाई वेलकम है आप लोगों का। अभी जो कोट है वो हल्की हल्की सूख गई है, मतलब पूरी तरह से नहीं सूखी, हल्की हल्की सूखी है, और मैंने इधर से मास्किंग टेप हटा दी है और अभी इधर से हटाने वाला हूँ। तो तुम देख लो ऐसे टेप निकल रही है आराम से, बताए बहुत आराम से। यार इस टेप को लेके मेरे को डर सा है थोड़ा सा, कहीं मैं उतारूं और ये पेंट वो हो जाए। यार देख लो भाई, मतलब ये ऐसे उतर रही है, इसका मतलब पेंट अच्छे से सूखा नहीं है, क्योंकि जो पेंट ऐसे फट सा रहा है ना उसको लेके। कोई नहीं, हम इससे काम चला लेंगे। और अभी मैं इधर भी मास्किंग कर दूंगा ताकि हम इस पे क्लियर कोट मार सके पूरी बाइक पे, बाइक पे कह रहा हूँ मैं भी, पूरे टायर पे। तो इधर से इधर कॉर्नर हटा दूं, एक्चुअली मैं इधर ज़्यादा अच्छे से उतरा है पता है। और के
अब इधर थोड़ी क्लीनिंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने इधर अच्छे से टेप लगाई नहीं थी पूरे पूरे में, और पेंट इधर तक आ चुका था तुम देख सकते हो। कोई नहीं, इसकी अभी क्लीनिंग कर देंगे अच्छे से। और यहाँ पे ये वाले मास्किंग टेप के नीचे है, तो ये तो चुका है उतर। मैं सोच नहीं रहा इन पे करने की क्योंकि ये क्लियर कोट है, तो इनके ऊपर लग भी जाएगा तब भी फर्क नहीं पड़ेगा कुछ खास। तो पहले इसको रिमूव करते हैं इधर से सारे पेंट को, और उसके बाद आएगा क्लियर कोट मारना स्टार्ट करेंगे। तो भाई उसकी क्लीनिंग कर ली अच्छे से, और वहाँ बहुत सारे पसीने आ क्योंकि भाई रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में फैंस ऑन नहीं करता क्योंकि बहुत शोर आता है, नॉइस एक्यूमुलेट हो जाती है वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा, तो मैं इसलिए फैन ऑन नहीं करता। तो अभी मैंने क्लीनिंग तो कर दी पूरी, अब जो बची हुई हाफ साइड थी वहाँ पे मास्किंग करनी है, और मास्किंग करने बाद उस पर क्लियर कोट करना है। तो पहले मैं मास्किंग करूंगा उसके बाद मैं क्लियर कोट करूंगा, तो तब तक तुम उसके भी टाइम लैप्स एंजॉय करो। दिस साइड कंप्लीट, पूरी तरह से मास्किंग हो गई। अभी यहाँ की बारी है, इसको भी कर लेते हैं एक बारी। हाँ तो भाई दोनों साइड की मास्किंग हो चुकी है डन, ये देख सकते हो। यहाँ की मैंने कर ली इधर की, इसके दूसरी साइड भी हो चुकी है और इधर ऑलरेडी है, तो मैं इधर दोबारा करूंगा नहीं। तो जो कट्स आए हैं काफी फाइन है, इसके ऊपर क्लियर कोट लग जाएगा, इधर भी लग जाएगा, उधर दोनों तरफ शाइन आ जाएगी बढ़िया वाली। मैं काम करता हूँ क्लियर कोट मार के मिलता हूँ, क्योंकि यार कैमरे के साथ मैं थोड़ा रिस्क नहीं ले सकता नजदीक से, कहीं रिकॉर्डिंग में अगर इसके लेंस पे कुछ चिपक गया तो बड़ा इशू हो जाएगा, तो मैं इस पे क्लियर कोट करके मिलता हूँ आपको। तो तुम देख सकते हो ट्रांसपेरेंट लाइकर की, लाइकर क्या बोलते हैं, एपॉक्सी कुछ भी बोल लो यार इसको, जो ट्रांसपेरेंट हमारी कोट होती है, यानी कि मैं नाम भूल गया भाई इस कोट को क्या बोलते हैं, पर कितनी अच्छी आई यार इसका कलर और भी ज्यादा उभर गया है जब से ये ट्रांसपेरेंट कोट लगी ना इसके ऊपर। देखो कितना शाइन दे रही है भाई अभी, बस मैं यही होप करता हूँ कि सुबह तक अच्छे से सूख जाए क्योंकि कल है संडे और संडे राइड पे जाने का मेरा बहुत मन है इसको टायर को ऐसा मजेदार लेके आगे से। तो अभी ये फर्स्ट कोट थी इसकी, मैं होप करता हूँ कि एक डेढ़ घंटे में सूख जाएगा, तो मैं इसमें सेकंड कोट कर दूँ ताकि पूरी रात पर फिर सूखे आराम से, मैं सुबह टायर को लगाऊँ और निकल जाऊँ। तो भाई अभी देख सकते हो तुम पसीना कितना ज्यादा आ रहा है तुम्हारे भाई को, तो इसी मेहनत और पसीने को देखते हुए जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को करो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना भाई, और मैं इसकी अगली कोट मार के आप लोगों को दिखाता हूँ कितना अच्छा दिखता है, और सुबह बाइक में इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉल करने बाद कुछ शॉट्स भी कोशिश कि मैं कल रिकॉर्ड कर लूँ संडे को, या तो मैं बाइक बाहर खड़ी करने वाले से मस्त सिनेमैटिक शॉट लूंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितना बढ़िया लगता है। अगली कोट के बाद सीधा सुबह मिलेंगे, ठीक है, बाय बाय। हाँ तो जैसा आप लोगों ने देखा कि मैंने ये व्हील लगा दिया है और ये काफी अच्छा दिख रहा है मेरे हिसाब से, तो कमेंट करके बताना कितना अच्छा लग रहा है, और अगर ये मेरा एक्सपेरिमेंट सही रहा, मतलब ये वीडियोस वगैरह और चलने में अच्छी लगी, तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही आगे और पीछे परमानेंट ऐसा ही कलर करवा लूँ।